तुनिशा सुसाइड केस में पुलिस का बड़ा बयान सामने आया है। तुनिशा और शुजान की दोस्ती थी। मुंबई पुलिस का ये कहना है तुनिशा शुजान का ब्रेकअप हो गया था, बीच में एक और लड़की के आने से ब्रेकअप हुआ। ब्रेकअप की वजह से तनाव में थी तुनिशा। सुसाइड केस में लव जिहाद का एंगल नहीं है, ये पुलिस ने क्लियर किया है। एसीपी चंद्रकांत यादव जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अब तक की तफ्तीश में क्या पता चला है मुंबई पुलिस? अब तक के इसमें वो ब्रेकअप होने के बाद ही उसने फांसी लगा के ली है, यही आया है आगे तक अभी तक। अच्छा सर, माँ ने जो एफआईआर दर्ज करवाई है, उस एफआईआर के अंदर माँ ने क्या बताया, आप लोग क्या शिकायत की थी? माँ ने वही किया कि वो जिशान के साथ उसका ब्रेकअप होने के बाद वो थोड़ा डिप्रेशन में थी और उसने फिर ये कदम उठाया है। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई फाउल प्ले निकला है, कोई बाहरी चोट वगैरह? नहीं, खाली गले की चोट है, वही है पोस्टमार्टम नोट्स में। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। सर, अब तक क्या क्या सीज पुलिस की तरफ से किया गया है? पुलिस ने उनके दोनों के मोबाइल लिए है ताबे में और उसके इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सर, मुंबई पुलिस की जो जांच है सही दिशा में चल रही है, मानते हैं आप? यस, सही चल रही है। तो बिल्कुल, ये एसीपी यादव थे जो इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो मुंबई पुलिस की जांच तुनिशा शर्मा सुसाइड केस के अंदर चल रही है, वो दरअसल सही दिशा में चल रही है। कैमरामैन निशांत के साथ जितेंद्र शर्मा, TV9 भारतवर्ष, मुंबई। और तुनिशा के मामा का शीजान पर बड़ा खुलासा, दूसरी लड़कियों के साथ शीजान के रिश्ते थे, ये तुनिशा के मामा का दावा है। अफेयर की जानकारी होने पर तुनिशा शीजान में लड़ाई हुई, ये तुनिशा के मामा ने कहा है। 16 दिसंबर को दोनों में लड़ाई हुई, लड़ाई के बाद अली बाबा के सेट पर ही तुनिशा को एंग्जाइटी अटैक आया। तो एंग्जाइटी अटैक आया था तुनिशा को इस बात का पता चलने के बाद कि शीजान के दूसरी लड़की से रिश्ते हैं, ये मामा का दावा है। 16 दिसंबर को दोनों में लड़ाई हुई थी, क्या कहा है तुनिशा के मामा ने, आइए सुनाते हैं आपको। तुनिशा के मामा पवन शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। पवन जी, बेहद दुखद हादसा ये आपके परिवार में हुआ है। 20 साल की थी महज तुनिशा और बहुत तेज़ी से नाम कमा रही थी, फिल्में कर रही थी, बड़ा शो भी हिट हो रहा था। वजह क्या हुई, जो खुदकुशी, आपको लगता है कि खुदकुशी हुई है या और कोई वजह हो सकती है? पता नहीं, जो भी हुआ है वो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। हमने FIR कर दी है जिशान के खिलाफ, शीजान जो उसके साथ उसका कुछ प्रॉब्लम चल रही थी जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान थी। और उसने 16 तारीख को जब उसको एडमिट किया था तो सेट वालों ने, तो उसने बताया कि मेरे साथ चीटिंग हुई है, मुझे मतलब मेरे साथ गलत हुआ है और अब वो नहीं आएगा, वो ऐसा क्यों कर रहा है, ये सब उसने बोला था। मतलब दोनों के बीच में रिश्ता था, रिलेशन में थे दोनों? हाँ, 2 महीने पहले करीब थे, मतलब अभी पिछले दो महीने से, बट अभी थोड़े दिन पहले कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ था कुछ जो भी, तो हमने समझाया भी दर्शीजान को कि ऐसा मत करो, क्या प्रॉब्लम हुई, क्या हुआ, पता नहीं, उसी स्ट्रेस में थी वो, बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो मतलब अचानक शीजान ने ब्रेकअप किया? हाँ, शीजान ने ब्रेकअप किया। वजह क्या थी ब्रेकअप की, आपको कुछ बताओ? पता नहीं, कुछ उसको लगा हुआ कि तुनिशा को कि उसके किसी और लड़कियों के साथ भी कुछ है, तो कुछ ऐसा हुआ कुछ। तो मतलब उसने कुछ ऐसी चीज़ें देखी होंगी और इस वजह से दोनों के बीच, इसीलिए उसने बोला ना कि मेरे साथ चीटिंग हुई है, यही वर्ड वो बार बार बोल रही थी अभी जब 16 तारीख को उसको अटैक आया था। अच्छा, कि मेरे साथ चीटिंग हुई है, मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ चीटिंग हुई है। कोई एंजाइटी का अटैक था? एंजाइटी का अटैक था, तनाव में बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा, बहुत परेशान थी एक हफ्ते से। तो अस्पताल में आपने उसको एडमिट कराया था मलाड के, तो फिर कितने दिन एडमिट रही, डॉक्टरों ने क्या कहा? उसी दिन हम रात को घर ले गए थे। अच्छा, तो फिर शूटिंग पे दोबारा वो कब जाना शुरू किया? एक दिन रेस्ट किया, उसके बाद शूटिंग पे चली गई। तो जब ब्रेकअप हो गया तो ये ब्रेकअप लगभग कितने दिन चला, क्या दोनों के बीच में हाय हेलो होती थी सेट पे या? मुझे इस बारे में इतना नहीं पता, हमने FIR कर दी। अब देखिए, जो भी, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो भी है, अगर उसने गलत किया है, हमारी बच्ची सिर्फ 20 साल की थी, अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। तुनिशा सुसाइड केस में FIR कॉपी के जरिए बड़ा खुलासा हुआ है। FIR के मुताबिक तुनिशा शीजान के साथ रिलेशनशिप में थी, 15 दिनों पहले शीजान ने ब्रेकअप कर लिया था, ब्रेकअप की वजह से ही तुनिशा तनाव में रहने लगी थी। पुलिस के मुताबिक डिप्रेशन की वजह से सुसाइड संभव है। और तुनिशा सुसाइड केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने तुनिशा की प्रेगनेंसी की बात को खारिज किया है। तुनिशा के शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं मिले हैं।
तुनिशा की मौत की वजह फांसी से दम घुटना है। तुनिशा का जो विसरा है उसे सुरक्षित रखा गया है आगे की जांच के लिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।